राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर डार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद ने ड्यूटी दे रहे सफाई कर्मचारियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, खाना तैयार करने वाले और अन्य व्यवस्थाओं में लगे लोगों से भेंट कर उनके कार्य की तारीफ की। उन्होंने कोविड 19 में दिन रात कोरोना योद्धा के रूप में सेवा के लिए सराहना की। इस अवसर पर SDM पालमपुर धर्मेश रामोत्रा भी मौजूद रहे। लोगों के मन से कोरोना वायरस का भय दूर भगाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर डार्ड में रह रहे 20 कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए दोपहर का भोजन पैक करवाने में सहायता की। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर में रखे जा रहे सभी मरीजों का सरकार द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन्हें चिकित्सीय परामर्श पर पौष्टिक भोजन, फल इत्यादि उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटरों में बेहतर इंतजामों और देखभाल के मद्देनजर यहां के लोग ठीक होकर सकुशल अपने घरों को जा रहे हैं। सांसद ने पालमपुर प्रशासन द्वारा इस केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं पर खुशी जताई। उन्होंने कोविड ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों, पुलिस, सफाई एवं अन्य कार्यों में लगे लोगों से भी भेंट कर संकट की इस घड़ी में उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने सभी लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, बार बार साबुन से हाथ धोने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करने की भी अपील की। उन्होंने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर डार्ड के लिए 50,000 देने की घोषणा और लोगों से भी इस पुनीत कार्य में यथासंभव सहयोग की अपील की। इससे पूर्व सांसद ने ग्राम पंचायत कलूण में पंचायत की ओर कोविड 19 ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को उनकी कोरोना योद्धा के रूप में सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट किए। बहुत अच्छा लगा, आज मैंने डार्ड में विजिट किया और यहाँ का जो खास करके मुझे हैरानी हुई कि यहाँ प्रशासन खुद SDM के अध्यक्षता में इस जो पेशेंट्स के लिए या जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए जो खाना वगैरह जा रहा है, उनके लिए जो भी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है वो प्रशासन करवा रहा है। तो खुशी हुई मुझे ये जानकर। और आज मैंने खाने पीने की व्यवस्था देखी यहाँ पे। खाना जो था वो बहुत शुद्ध, स्वादिष्ट, मैंने भी थोड़ा खा के देखा और उसको टेस्ट किया और बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वादिष्ट, शुद्ध और पौष्टिक खाना था। और साथ में खुशी हुई कि खाने के साथ साथ अल्टरनेट डे में एक दिन छोड़ के 6-7 फ्रूट्स ये कोरोना पेशेंट्स को, कोरोना वॉरियर्स को देते हैं। बहुत प्रशासन की तरफ से ही बहुत अच्छी पहल है। और वैसे भी धर्मेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं वैसे भी बहुत बार देखती हूँ कि बहुत डायनेमिक SDM है उनका, यहाँ के DSP और सारा प्रशासन, जितनी भी टीम है उनकी, बहुत अच्छे से ये कार्य कर रही है। मैं उनको बधाई देती हूँ और साथ में प्रदेश सरकार को भी बधाई देती हूँ कि जहाँ जहाँ भी मैं जा रही हूँ और ये जितने भी COVID-19 जो हॉस्पिटल्स हैं उनके स्टाफ जो भी सेवाएँ दे रहे हैं, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर, प्रशासन के लोग, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सबसे मेरा मिलना हो रहा है। और बहुत अच्छे से इस महामारी के टाइम में समाज की सेवा ही लोग कर रहे हैं। मैं धर्मेश जी और उनकी पूरी टीम को पुनः बधाई देती हूँ। और एक मैं समाज से भी अनुरोध करूँगी कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ और समृद्ध लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। चाहे वो कोरोना हॉस्पिटल बैजनाथ हो, पालमपुर हो, जहाँ जहाँ लोग, जहाँ जहाँ हमने पेशेंट्स रखे हैं कोरोना के, वहाँ आके वो कभी यहाँ विजिट करें। और धर्मेश जी जो SDM है उनके माध्यम से कुछ ना कुछ यहाँ दान के रूप में जरूर दें। कभी सब्जी है, फ्रूट्स है, जो भी प्रशासन चाहेगा वो चीज़ देनी चाहिए, प्रमुख लोगों को देनी चाहिए। पालमपुर में खास करके
बहुत अच्छी जो कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगी प्लीज़ आप लोग भी इस जो ये महामारी के टाइम से जब हम लोग गुजर रहे हैं, पूरे पूरी दुनिया गुजर रही है, पूरा हमारा देश, पूरा प्रदेश में भी बहुत सारे केसेज आए हैं, तो उनकी उनको अच्छी सेवाएं मिले। क्योंकि मैं पहले भी एक दो जगह मैंने ये अपना रखा था कि जब वो आपको पता लगता है कि आप कोरोना पीड़ित हैं, तो आधा तो वैसे ही जो व्यक्ति को पता लगता है कोरोना पीड़ित हो, आधा तो वैसे ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है सुन के, मानसिक रूप से वो बहुत परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। उसके बाद जहाँ हम क्वारंटाइन